Today marks the last of the tranches of announcement subsequent to Prime Minister's address to the nation. हेलो फ्रेंड्स, सो जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, आज हम बात करने वाले हैं जो 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया था उसके लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट मींस लास्ट ट्रांच के बारे में। ठीक है, सो फार हम चारों ट्रांच कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने इन ट्रांचेस को देख लिया है, बहुत सही। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ ऊपर आइकन को प्रेस करके वो बाकी ट्रांच देख लें। आज हमारे पास जो है, दैट इज ट्रांच 5, इट इज अबाउट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड एनेबलर्स। मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ उसके बारे में। देखो, यहाँ पे हमने बात की थी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनको उनकी ग्रोथ को कैसे फॉस्टर किया जाए, उनको कैसे बूस्ट किया जाए, उनमें और बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। फिर हमने बात की थी वो माइग्रेंट्स जो यहाँ से वहाँ काम की वजह से आते हैं, और जस्ट बिकॉज वो एक डेली वेज अर्नर्स होते हैं, उनकी जो इनकम थी वो बहुत हद तक अफेक्टेड होती जस्ट ड्यू टू दिस कोविड। आफ्टर दैट हमने बात की एग्रीकल्चर सेक्टर को और अपग्रेड करने के लिए और ग्लोबल कॉम्पिटिशन के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए और फार्मर्स के इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए फॉर द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल मेजर्स। ठीक है, देन इन दिस सेक्शन न्यू हॉराइजन्स ऑफ ग्रोथ में हमने बात किया था कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने किस किस तरीके से हमारे जो ग्रोथ के सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को चेंज लाया उन सेक्टर्स के अंदर, और क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन दोनों ही चीज़ों में मोस्टली जो गवर्नमेंट का कंसर्न है, दैट इज टू डिराइव आर इकोनॉमी टू अ कैपिटलिज्म इकोनॉमी। सी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम, विच इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। होता क्या है, होता ये है कि जो आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है वो पूरी तरीके से बेस्ड होती है कैपिटलिस्ट के ऊपर, जिनके पास ज़्यादा मनी है, प्रोडक्शन उनके अकॉर्डिंग की जाती है। सोशलिज्म के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है, और मिक्स इकोनॉमिक मॉडल जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स मिलकर के काम करते हैं। अभी तक इंडिया के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे थे, वैसे तो तीन ही सेक्टर्स थे जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अंडर चलते थे, बट गवर्नमेंट ने प्राइवेट रोल को फिर भी काफ़ी हद तक रेगुलेट और कन्फाइंड कर रखा था। इन दोनों रिफॉर्म्स के अंदर, इन दोनों ट्रांचेस के अंदर गवर्नमेंट ने ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया है। तो जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स और एनेबलर्स आए हैं उसमें भी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। सो लेट्स हैव अ लुक कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं इसके अंदर। ठीक है, जो ये रिफॉर्म्स आए हैं, इस रिफॉर्म्स के अंदर हमारे पास मेनली 7 सेक्टर्स को लेकर बात की गई है। पहला, MG नरेगा के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई है, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2005। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग बात की गई है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एज वी ऑल नो कि कोविड की वजह से बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हुए, तो बिजनेस को करने के लिए और थोड़ी सी आसानी की गई है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब वही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट के अंडर कंपनीज होती हैं उनके अंदर चेंजेस आए गए हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड रिलेटेड मेजर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और रिलेटेड मेजर्स को भी लिया गया। सो बेसिकली ये 7 सेक्टर्स हैं जिनको हम वन बाय वन करके कवर अप करेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। द वेरी फर्स्ट इज एमजी नरेगा, दैट इज मनरेगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या किया गया। इसमें गवर्नमेंट ने जो बजट था, गवर्नमेंट का जो हमारा 2021 का बजट आया था उसमें ऑलरेडी 61,000 था। गवर्नमेंट ने इसके अंदर और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का और एक प्रोविजन ऐड किया है। 61,000 तो पहले से बजट में था ही था, 40,000 को और ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मनरेगा के अंदर 1,00,000 करोड़ का प्रोविजन दिया गया है। गवर्नमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू में कि अगर ऐसा होगा तो 300 करोड़ पर्सन डेज जो है वो इसके थ्रू बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, पर्सन डेज का मतलब क्या होता है? पर्सन डेज का मतलब होता है कि पर्सन इनटू में वो टाइम जो वो काम करते हैं। जैसे सपोज इटली, मैं आपसे कहता हूँ कि देयर आर 5 पीपल, 5 लोग हैं, ठीक है, और एक दिन में वो 8 घंटे काम करते हैं। 5 लोग हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो पर्सन डेज अगर हम देखें तो कितना हो गया, 40, क्योंकि 5 लोग 8 घंटे काम करें तो 40। सो 300 करोड़ इस हिसाब से जो है पर्सन डेज ऐड हो पाएंगे
गवर्नमेंट के 40,000 करोड़ के पैकेज और मिलने की वजह से। ठीक है, अगर आपको MGNREGA नहीं पता है तो मनरेगा मैं आपको बता दूं, मनरेगा गवर्नमेंट ने 2005 में एक एक्ट पास किया था जो कि इंश्योर करता है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट एनी हाउ करके पूरे साल के अंदर 100 दिन का रोजगार पुअर फैमिलीज को देगी देगी, सो दैट वो अपने सर्वाइवल तो कर सके। तो सबसे पहली चीज़ ये की गई है। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या लिया, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर। देखो अभी तक हम MSME की बात कर चुके हैं, अभी तक हम स्मॉल बिजनेस की बात कर चुके हैं, एग्रीकल्चर की बात कर चुके हैं, हर एक चीज़ें तो इंक्लूड हो ही गई हैं, बट हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने और एजुकेशन, जो कि ऑब्वियस ही बात है एक बहुत ज़्यादा हमारे हमारे का किसी भी कंट्री को बूस्ट करने को, किसी कंट्री को भी आगे बढ़ाने के लिए ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करने वाले हैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की। तो देखते हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी 15,000 करोड़ का पैकेज जो है वो हेल्थ सेक्टर को दे चुकी है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर भी एस्टैब्लिश्ड पर्टिकुलरली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। आप जानते हैं जब ये कोविड आउटब्रेक हुआ, वैसे तो नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड की अगर हम बात करें, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी तो किसी के पास भी नहीं थी। ठीक है, नीदर USA नॉर नॉर्वे नीदर विद इंडिया। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है अब दोबारा कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं जो एस्पिरेशनल जो होते हैं बैकवर्ड रिमोट एरियाज होते हैं, वो अफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती। हम दिल्ली में हैं, लैब्स हमारे पास बहुत सारी लैब्स अवेलेबल है, क्लिनिक्स अवेलेबल है, हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, बट वहाँ पे तो नॉर्मल क्लिनिक्स भी नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने कहा है अब सबसे पहला काम किया जाएगा इन एरियाज में हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर को और ज़्यादा स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और ये भी कहा है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट्स विल हैव एन इंफेक्शियस डिजीज ब्लॉक्स इन देयर हॉस्पिटल्स। हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपना ही इंफेक्शियस डिजीज ब्लॉक होगा उसी हॉस्पिटल, जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करें उसी हॉस्पिटल्स में। पब्लिक हेल्थ लैब्स विल बी सेट अप नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट्स इन ब्लॉक्स एज वेल। इसका मतलब क्या है, देखो हाँ मैं दिल्ली की एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। दिल्ली में आपको हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे एक पैथ लैब वगैरह दिख जाएगी, तो यहाँ पे टेस्टिंग और सब चीज़ें आसानी से हो जाती है। बट ब्लॉक्स आप समझते हैं, ब्लॉक्स का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे एरिया, होता नहीं है हम एरिया में रहते हैं कि आप ए ब्लॉक के हो या बी ब्लॉक के, तो हर ब्लॉक में, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करी, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हर ब्लॉक के अंदर भी क्या होंगे, पैथ लैब्स बनाए जाएंगे ताकि कभी ऐसा फ्यूचर में कोई भी अनफोर्सिंग दोबारा से मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए हम अलर्ट रहें, इस तरह की दोबारा सिचुएशन नहीं आए। टू एनकरेज रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR मिशन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। रिसर्च को और फैसिलिटेट करने के लिए ICMR, आपको पता होगा ये जो बॉडी है, ये बॉडी हमारे फ्रीडम से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले की बॉडी है जो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था, जिसका काम क्या है, इंडिया के लेवल पे जितना भी मेडिकल रिसर्च होता है वो ये करती हैं। तो इनको कहा गया नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ, मतलब ये पूरी कंट्री के लेवल पे अलग अलग रिसर्चेस को इनको बढ़ावा और दिया जाएगा। और नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट विल बी ड्राफ्टेड, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और वो ब्लूप्रिंट होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ के बारे में, जिसपे हम हर तरीके से अपने हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं। राइट, सो ये पॉइंट्स है जो हेल्थ सेक्टर में लिए गए हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में जो अमेंडमेंट्स दी गई है वो सच में बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग अमेंडमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में किया, क्योंकि इन सब चीज़ों से अफेक्ट होने वाला सिर्फ बिजनेस नहीं है, इन सब चीज़ों से अफेक्ट होने वाले एक स्टूडेंट भी हैं जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। क्योंकि बिजनेस में चलो हमने एक प्रोविजन बना रखा था जिस प्रोविजन की वजह से शायद हम 4-5-6 महीने सर्वाइव कर जाएं, बट स्टूडेंट उनका साल साल भर कैसे खराब जाएगा। ठीक है, कितने लोगों के एस्पिरेशंस कितने कुछ होंगे, UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, 12th एग्जाम्स में थे, सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हो गया, पढ़ाई नहीं हो पा रही। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस इतनी अवेलेबल नहीं हो पा रही, इंटरनेट सिस्टम इतने अच्छे नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम जो हुई है स्टूडेंट को हुई है, उसके करियर को लेकर हुई है, साइकोलॉजिकली हुई है, ठीक है, मेंटली हुई है, साइकोलॉजिकली हुई है, फिजिकली हुई है। सो उन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए HRD जो मिनिस्ट्री हमारी, उन्होंने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए। पहला देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एजुकेशन टू सपोर्ट एजुकेशन इनिशिएटेड बाय HRD मिनिस्ट्री थ्रू PM E-Vidya। ठीक है, तो मतलब प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक विद्या मीडियम का यूज किया गया, दैट इज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगेन आप देखो, वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम, वन नेशन वन रेशन कार्ड,
वन नेशन वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अगेन सेम वही चीज कि आप किस रेट से हो, किस कास्ट से हो, किस रिलीजन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किस स्टेट से हो, एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे सब लोगों के लिए एक ही तरीके की एजुकेशन सर्व की जाएगी। ठीक है, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दैट इज दीक्षा, इसका इस पोर्टल का यूज किया जाएगा। ये पोर्टल आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी है। इसमें टीचर्स अपने कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास अपनी पीडीएफ फाइल्स होंगी, मेरे पास अपने वीडियो लेक्चर्स होंगे, इस प्लेटफॉर्म पे मैं जाकर के उन पीडीएफ फाइल्स को, अपने जितना भी मेरा वर्क है उसको, मैं अपनी वीडियोस को सबको अपलोड कर सकता हूँ। अब बाय अपलोडिंग तो दीक्षा प्लेटफॉर्म होगा क्या, एक नेशन, एक जो स्टूडेंट वो नेशन में कहीं पर भी हो, वो इस ऐप के थ्रू उन वीडियोज की हेल्प से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, इनको स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में सब में डाला जाएगा। ई कंटेंट ऑन क्यूआर कोडेड टेक्स्ट फॉर ऑल ग्रेड्स। ठीक है, ई कंटेंट अवेलेबल, वही बात है जैसे मैंने पीडीएफ डाला तो पीडीएफ के बेसिस पे वो ई कंटेंट और क्यूआर कोडेड टेक्स्ट बुक्स भी होंगी कि आपने टेक्स्ट, आपने क्यूआर कोड इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, आप स्कैन करेंगे उसको अपने फ़ोन या जिस भी तरीके से, स्कैन करते ही आपको वो जो बुक होगी, टेक्स्ट बुक होगी हर ग्रेड की, वो मिल जाएगी। उसके बाद दोस्त हु डू नॉट हैव इंटरनेट एक्सेस। अब देखो हम लोगों को पता है हम दिल्ली में हैं, आप में से बहुत से लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, तो हमारे पास नेट की फैसिलिटीज़ हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हम बात करते हैं वही रिमोट एरियाज़ की, रूरल इंडिया की, वहाँ तो अभी खाने को भी नहीं होते, बेचारे खाने के लिए तरस रहे, तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ कहाँ से होंगी। सो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे इंटरनेट एक बहुत चैलेंजिंग इशू है। सो गवर्नमेंट ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट उन लोगों को नहीं भूली, गवर्नमेंट ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल है आपके पास, व्हाट इज डीटीएच डायरेक्ट टू होम राइट चैनल का एस्टैब्लिशमेंट किया है, जो कि हर क्लास, हर एक चैनल, मतलब इसमें क्या होगा, हर क्लास का एक चैनल, एक ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ का एक अलग से चैनल होगा, इलेवेंथ का एक अलग चैनल होगा। अभी ये 15 लैंग्वेजेस में है, गवर्नमेंट इसको भी बाकी आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो हर क्लास का एक चैनल, उस चैनल पे आपके पास अलग अलग वीडियोस आएंगी, 4 घंटे के हिसाब से वीडियोस आती हैं, आप स्टूडेंट अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से किसी भी टाइम को चुन करके, किसी भी टाइम को सेलेक्ट करके अपनी वीडियोस को देख सकता है। आगे गवर्नमेंट ने MOOCs को प्रमोट करने के लिए कहा, दैट इज व्हाट इज दैट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि अब इस पेंडेमिक की वजह से चीज़ें कब तक एकदम वापस बैक टू नॉर्मल स्टेट में आएंगी पता नहीं, तो आपको जैसे जैसे चीज़ों को रीस्टोर किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर भी बहुत फोकस दिया है कि ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान दें। अब बात आ जाती है उन लोगों की जो कि सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए तो स्पेशल ई कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड ऑन डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज डेजी इन साइन लैंग्वेज नियरली 25 करोड़ चिल्ड्रन विल बी बेनिफिटेड बाय दिस। ठीक है, मतलब वो लोग जो सुन नहीं सकते उन लोगों के लिए क्या किया, साइन लैंग्वेजेस के अंदर डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू वीडियोस को अपलोड किया जाएगा, जिससे कि वो वहाँ से देख सके, ई कंटेंट भी डाला जाएगा, और साथ ही साथ में जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए तो आपने साइन लैंग्वेज में कंटेंट डाल दिया, लेकिन जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ऑडिबल कंटेंट डाला जाएगा ताकि वो सुन करके अपना काम चला सके। ठीक है, इसके बाद टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को कहा गया कि आप 30th मई से अपने ऑनलाइन कोर्सेज को जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ में ये भी कहा है ODL दैट इज ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स, आपको पता होगा IGNOU, SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज, ये सारी यूनिवर्सिटीज है जो अपना ऑनलाइन अपना ओपन प्रोग्राम देती हैं, तो इन कोर्सेज को और ज़्यादा प्रमोट करने की बात की गई है कि गवर्नमेंट कह रही है कि जो ये कोर्सेज हैं इनको ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इससे और में और नए कोर्सेज भी ऐड किए जाएंगे इसी साल। 7 करोड़ स्टूडेंट्स को एक एस्टिमेशन है गवर्नमेंट का, जो कि 7 करोड़ स्टूडेंट्स को बेनिफिट देगा। आगे देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में और क्या है। गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो गवर्नमेंट अकेले, अगेन कोई बात है, पब्लिक सेक्टर का रोल जितना है साथ में प्राइवेट की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो टाटा स्काई और एयरटेल जैसे और भी चैनल्स हैं जो DTH चैनल्स हैं, इनको भी बात की गई है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचा जा सके। 200 न्यू टेक्स्ट बुक एडेड टू ई पाठशाला पॉडकास्ट कॉल्ड शिक्षा वाणी ऑफ CBSE डिसमिनेट्स ऑडियो कंटेंट फॉर 9 to 12 ग्रेड्स राइट। वही मैंने कहा था ऑडियो कंटेंट भी अवेलेबल है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, ई पाठशाला पॉडकास्ट कॉल्ड शिक्षा वाणी, ये एक सोर्स है जिसके थ्रू आपको लेसेस मिलेंगे। फिर गवर्नमेंट का कहना ये भी था कि कहीं ना कहीं इन सब पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ठीक है, वी रियली डोंट थिंक कि आज से पहले किसी ने इस तरह का सिचुएशन देखा भी होगा, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है।
ठीक है, आई होप ये हिस्ट्री रहे और रिपीट कभी ना हो, क्योंकि जो सीन हमने देखा, जो सिनेरियो आज हमने देखा कि पूरा वर्ल्ड ही बंद हो गया, राइट? ठीक है, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेट और सिटी, इट्स अबाउट द होल वर्ल्ड शट इट डाउन देयर ऑपरेशन, हैज शट डाउन देयर ऑपरेशन. तो यही चीज हमें समझनी थी. तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस वजह से लोगों को फिजिकली तो हार्म जो हो रहा है वो हो ही रहा है, साइकोलॉजिकली भी बहुत लोगों को हार्म हुआ है. निर्मला सीतारमण ने ये भी तो कहा था कि देखो कैसा हुआ कि आप किसी को छू नहीं सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते, आप किसी से बात करते हो तो डिस्टेंस पे करना है, किसी से लेना नहीं है. तो ये सिनेरियो ना किसी ने एक्सपेक्ट किया था. तो साइकोलॉजिकली जो लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए मनोदर्पण नाम का चैनल है, वो स्टार्ट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि वेबसाइट के थ्रू, एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के थ्रू, नेशनल डायरेक्टरी ऑफ काउंसलर्स के थ्रू, इंटरेक्टिव चैट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू गवर्नमेंट उन लोगों से इंटरेक्ट करेगी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उनसे इंटरेक्ट करेंगे, सो दैट उनका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उनको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से गाइडेंस दी जा सके और उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज किया जा सके. इसके साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने कहा, कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी न्यू नेशनल करिकुलम एट एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर स्कूल्स अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स विल बी लॉन्च्ड. आपको पता होगा हम बार बार हमेशा यही कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते कुछ है करते कुछ है. तो गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि अब एक नया पेडागॉजिकल सिस्टम लाया जाएगा. इस सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को, प्रैक्टिकल सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस सिस्टम को स्कूल्स को बोला जाएगा अडॉप्ट करने के लिए. और न्यू नेशनल करिकुलम मतलब एक नया सिलेबस हमारे पास ऐड होगा. अभी आया नहीं, अभी ये चीज़ होने वाली है, 2020 के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, जिससे कि हम भी प्रैक्टिकल एजुकेशन ले पाएंगे और ग्लोबल रिक्वायरमेंट, क्योंकि होता क्या है इंडियन टीचर्स की वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट बहुत है, लेकिन क्योंकि हम लोग की थ्योरी बहुत अच्छी है बट प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हम अच्छे नहीं होते, है ना? और स्टूडेंट के साथ भी यही होता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अच्छे नहीं होते हम लोग, बट थ्योरी अच्छी होती है. एंड दैट इज द रीजन कि आफ्टर स्पेंडिंग 20 or 22 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज स्टिल वी टर्न्ड एज अ फ्रेशर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी, बिकॉज वी डू नॉट मीट द ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट टाइम. सो इसीलिए इसको भी चेंज किया गया है, 21st सेंचुरी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको भी चेंज किया गया है. नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, ये मिशन वैसे ही पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उसको उस टाइम पे इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली. गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एम्फोसिस दिया है कि अगर आप जैसे गाँव वगैरह में जाएंगे, वहाँ पर क्या होता है कि बच्चा 10th में होगा, 8th में होगा, बट उसके बाद भी वो क्या होता है, वो समझ नहीं सकता, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है, बेसिक इंग्लिश नहीं आती है, बेसिक हिंदी नहीं आती है उसे लिखनी. तो गवर्नमेंट ने इसीलिए कहा नेशनल फाउंडेशन लिटरेशन न्यूमरेसी मिशन स्टार्ट किया जाएगा, जो इंश्योर करेगा कि ग्रेड 5 तक के जो बच्चे हैं वो अपने लेवल की नॉलेज को अटेन कर ले. ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 3rd स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, और 3rd स्टैंडर्ड क्लियर कर चुके हो, 3rd स्टैंडर्ड में आपने बेसिक मैथ सीखी होती है, ठीक है, उसके बाद आप रीडिंग सेक्शन से उठ करके लर्निंग सेक्शन पे जाते हो, 3rd-1st तक हम लोग रीडिंग में लगे रहते हैं बस, उसके बाद हम लर्निंग पे जाते हैं. तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई बच्चा 9th में है, 8th में है, उसे 3rd की चीज़ें नहीं आती, तो इस बात पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाएगा, खास स्पेशली रिमोट एरियाज के अंदर, राइट? फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ने ये सारे एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस के बाद, फिर गवर्नमेंट चेंज आई है किसके अंदर, IBC के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी. पहले मैं आपको इन दोनों टर्म का मतलब समझा दूं, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी. देखो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दैट यू आर नॉट इन अ सिचुएशन टू पे ऑफ और टू क्लियर ऑफ योर डेट्स, राइट? मींस योर नेट लायबिलिटीज आर मोर देन योर नेट एसेट्स, दैट इज द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. बट इंसॉल्वेंसी इज द सिचुएशन वेयर द डेटर एंड द क्रेडिटर कैन म्यूचुअली कम टू अ कंक्लूजन, दैट इज इंसॉल्वेंसी. कि कोई एक बिजनेस है, उसने सपोज इटली उसके पास 1,00,000 का कर्जा हो गया, ठीक है, लेकिन असेट्स उसकी 50,000 की है. अब ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं आपस में बैठ करके कि भाई मैं तेरे को ऐसे ऐसे करके ये पेमेंट वगैरह जो है दे दूंगा, मान के तो ठीक है. लेकिन जब वो पर्सन कहता है कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जिसको उससे पैसे लेने होते हैं, जो उसका क्रेडिटर होता है, वो जाके बैंक में केस कर दे और सॉरी कोर्ट में केस कर दे और कोर्ट फिर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दे उस पर्सन को बैंकरप्ट कर दे, तो दैट इज बैंकरप्टसी. तो इंसॉल्वेंसी तो इस तरीके से है कि मैं खुद इस बात को डिक्लेयर कर देता हूँ कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ. लेकिन जब यही चीज़ के ऊपर एक ऑफिशियल स्टैंप लग जाती है कोर्ट की, केस बंदे के पास पैसा नहीं है देने के लिए, अभी आगे अपने एसेट्स बेचे या कैसे देगा, वो इसको देखना है, तो वो सिचुएशन बैंकरप्टसी होती है,
ठीक है, तो मतलब इस चीज को एक्सटेंड कर दूं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसॉल्वेंसी में ही चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है विदाउट लैंडिंग टू द सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी। में किसी पर्सन के साथ प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नहीं है, उसने अपने क्रेडिटर्स को बोला मेरे पास ये एसेट्स है और मैं ऐसे इतने टाइम में आपको इतना पैसा दे दूंगा, तो बैंकरप्सी नहीं होती क्योंकि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आया। तो आपने इसको समझना है, बैंकरप्सी तब जब कोर्ट डिक्लेयर कर देता है उस चीज़ को। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को चेंज किया क्योंकि एमएसएमई को बहुत नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट ने अब कहा कि अगर 1 लाख तक का कोई इंसॉल्वेंट केस है तो वो नहीं माना जाएगा, अब ये लिमिट 1 करोड़ तक की कर दी गई। मतलब 1 करोड़ तक जब आपके पास देने को नहीं है तब उसे इंसॉल्वेंसी माना जाएगा। इससे बैंक को हो सकता है कि बहुत नुकसान हो, काफ़ी लोग इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि पहले 1 लाख था, अब 1 करोड़ है, तो बैंक को 1 करोड़ रुपये तक ब्लॉक हो सकता है। सोचो इतने सारे छोटे छोटे डीलर्स हैं तो उनको फ़ायदा हो गया, लेकिन बैंक के पार्ट पे कहने को ये नुकसान है। आगे गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अब 1 साल तक किसी भी तरीके की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में नहीं जा सकती है। मतलब अगर कोई पर्सन जाता है, जाके ये कहता है कि जी इसने मेरा पैसा नहीं दिया, तो अगले 1 साल तक ऐसा कोई भी केस कोर्ट में दे ही नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है कि बैंक या कोई भी बिजनेस इतनी जल्दी अपने ऑपरेशंस को रिस्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस तरह की कोई भी सिचुएशन आएगी तो इस टाइम पे कोई भी केसेस ऐसे हम अप्लाई, ऐसे कोई भी केसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे गवर्नमेंट ने कहा है स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर एमएसएमईज जो है वो डिसाइड किया जाएगा, उसके बारे में भी कुछ आया नहीं, जैसे ही आएगा इसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर बात करते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज को भी थोड़ी लिबर्टी दी गई, कंपनीज को उनके ऑपरेशंस के अंदर थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत सारे छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो टेक्निकल हो गए, ठीक है, टेक्निकल बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, प्रोसीजर प्रॉब्लम्स आ जाती है, उनके ऊपर इस टाइम पे किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी कंपनीज एक्ट के अंदर। जैसे कि CSR, ये क्या होता है कि हमने नेट प्रॉफिट का कुछ 1% हर कंपनी को डोनेट करना होता है अलग अलग NGOs को, तो ये हो गया, या फिर बोर्ड मीटिंग्स नहीं हो पाई, तो इस तरह के ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं लगाई जाएगी। प्लस जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, जिनमें दो लोग आपस में बैठ के सुलह कर सकते हैं, दे डोंट नीड टू गो टू गवर्नमेंट कि भाई कोर्ट के पास जाके तुम मेरे बताओ, नहीं ऐसे नहीं। छोटे मोटे ऑफेंसेस जो आपस में तुम सेटल डाउन कर सकते हो, उन ऑफेंसेस की अथॉरिटी सॉल्व करने की कंपनीज के अंदर ही दे दी गई है। आगे 7 compoundable offences थे, उन सबको मिला करके 5 compoundable offences कर दिए गए हैं, right? बिजनेस को आसान करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब इंडियन जो कंपनीज हैं वो भी क्या कर सकती हैं, इंडियन कंपनीज अपने आप को डायरेक्ट लिस्ट कर सकती हैं कहाँ के अंदर, फॉरेन जुरिडिक्शन के अंदर। अभी तक अब में अलाउड नहीं था, अब गवर्नमेंट ने हमारी ऑटोनॉमी और क्रिएट करने के लिए हमारे इस चीज़ को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ में वो कंपनीज जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिबेंचर, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक शेयर्स एक डिबेंचर। शेयर्स एक तरह से इक्विटी होती है, इक्विटी का मतलब ये आपको ओनरशिप देती है कंपनी के अंदर, जबकि डिबेंचर का मतलब होता है कंपनी ने आपसे लोन लिया। तो कंपनी जब जनरल पब्लिक से लोन लेती है तो उसे डिबेंचर कहते हैं। जैसे मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर लिया, ठीक है, अब मैं रिलायंस कंपनी का या फिर टाटा कंपनी का इनका कोई शेयर लूँ तो मैं भी उसमें एक पार्टनर बन गया, चाहे मैं वो 0.00002-0.03% का पार्टनर बनाऊँ, लेकिन मैं बन गया, ठीक है। लेकिन जब मैं डिबेंचर लेता हूँ तो डिबेंचर में मैं पार्टनर नहीं बनता, डिबेंचर में मैं एक तरह से लोन दे रहा हूँ कंपनी को, ठीक है, तो वो डिबेंचर होते हैं। तो डिबेंचर के बहुत सारे टाइप होते हैं, कुछ ऐसे डिबेंचर भी होते हैं जो कुछ टाइम बाद कन्वर्ट होकर के अपने आप को शेयर्स में बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो वो अपने आप को इशू, मतलब उनको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी भी तरीके से लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में मेनली हम बात करेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की और शेयर्स की, सिर्फ उन्हीं कंपनी को लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और लोअर पेनल्टीज फॉर ऑल डिफॉल्ट्स और जो OPC दैट इज 1% कंपनी, स्मॉल कंपनीज, इनकी जो पेनल्टीज थी अलग अलग चीज़ों की वो भी कम कर दी जाएगी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ पे भी क्या कर दिया, वहाँ पे भी जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इतने सारे जो ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट काम करती है, ड्यूप्लीकेट का वर्क होता है, उससे वेस्टफुल चीज़ें बहुत होती है, अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस सेक्टर्स के अंदर एंट्री दी जाएगी। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस सेक्टर्स वो होते हैं जो कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, जैसे एनर्जी,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जीज, तो गवर्नमेंट ने कहा है हाँ, ऐसा नहीं है कि पीएससीज बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बिल्कुल ख़त्म नहीं किए गए हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो वहाँ पे होंगे ही होंगे, लेकिन जैसे मान लो जैसे लिखा हुआ है इन अदर सेक्टर द पीएससी विल बी प्राइवेटाइज टू मिनिमाइज वेस्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस इन सर्टेन सेक्टर्स विल बी ऑर्डिनरी बी ओनली 1, 2 और 4, एक्सेस विल बी प्राइवेटाइज। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3, 4 इससे ज्यादा पीएससी वहां पे नहीं होंगे, राइट, ताकि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए प्राइवेटाइज हो जाए। ये बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि सिंस द इंडिपेंडेंस स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस गवर्नमेंट के हाथ में ही था, ठीक है, लेकिन अब ऑटोनॉमी कॉम्पिटिशन और आप कह सकते हैं एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को क्रिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर्स को भी रोल प्ले करने के लिए दिया स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के अंदर। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ डिफाइंड एरिया होंगे जहां जहां पे ये एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरिंग की लिमिट थी वो जीडीपी का 3% थी, एक साल के लिए इस लिमिट को 5% कर दिया गया है, सिर्फ एक साल के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है, काफ़ी जो पेंडेमिक की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को और भी फंड्स इनिशिएट करने वाली है, जिससे कि अपने पावर सेक्टर को जॉब क्रिएशन के ऊपर, माइग्रेंट्स के वेलफेयर के ऊपर, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो कर सके, राइट। सो दीज आर ऑल द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर द इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और मैं फिर आपसे रिपीट करता हूँ, अगर आपने नहीं बाकी वीडियोस देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, राइट, नहीं तो ऊपर आई आइकन को प्रेस करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो।